वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन शास्त्री पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, और हमने सारे राइटिंग स्किल्स के टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में हमने कवर अप कर लिया है। तो जिन बच्चों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस को जरूर देख ले, ताकि उनकी प्रिपरेशन, उनकी जो तैयारी है क्लास 12th की मिड टर्म एग्जाम को लेकर, और अच्छी और बेहतरीन हो जाए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है एग्जाम में और मिड टर्म के एग्जाम में। ये क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों से लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के टॉप 25 क्वेश्चंस को, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, क्वेश्चंस तो सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर 2 या 3 तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स ही बताऊंगा कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता, और आपको क्या करना है। आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपको उसको टैकल कैसे करना है, तो आज हम थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करेंगे। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन के साथ, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहब, ठीक है। तो ये हमारा टाइगर किंग से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बात की गई है। अगर आपको स्टोरी पता होगी तो टाइगर जो हमारे टाइगर किंग थे, उन्होंने लगभग 99 टाइगर्स को किल कर दिया था, और एक टाइगर उन्हें मिल नहीं रहा था। तो अब होता है ना आदमी का कि भाई एक चीज मुझे नहीं मिल रही है, तो वो हाइपर हो जाता है। तो वो अपने सारे मंत्रियों को कहता था कि भाई अगर आप लोगों ने एक टाइगर का बंदोबस्त नहीं किया तो मैं आपकी जॉब जॉब छीन लूंगा कुछ भी। तो इस तरीके से धमकाया था किंग ने हमारे। तो हमारे उसमें एक दीवान साहब थे, जिन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के साथ मिलकर उन्होंने एक जू से, ठीक है, एक ओल्ड, ठीक है, एजाइल, बहुत बूढ़ा टाइगर, ठीक है, वो लेके आते हैं और वो टाइगर किंग के सामने लाके रख देते हैं, ठीक है। तो यहां हमसे पूछा गया है कि व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहब, उस टाइगर के साथ क्या हुआ था जो टाइगर उन्होंने दीवान साहब ने प्रोवाइड करवाया था। तो हमें इसमें उस ओल्ड टाइगर के बारे में थोड़ी सी बात बतानी है। तो आप आंसर कैसे कर सकते हो, कैसे बता सकते हो एग्जामिनर को, तो आप कह सकते हो द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द दीवान साहब वाज ओल्ड एंड एजाइल। पहली लाइन ये है, पहली लाइन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या ऐड करना है, ओल्ड और एजाइल वर्ड का यूज करना है, ठीक है। वो बूढ़ा था, ठीक है, और बहुत ज्यादा उम्र का था। इट वॉज पैसिव एंड एक्सॉस्टेड, द टाइगर डिड नॉट टेक केयरफुल एम एट द 100 टाइगर। और हमारे जो टाइगर किंग थे, ठीक है, जो हमारे महाराज थे, उन्होंने क्या किया था, जो टाइगर होता है उस पर करेक्ट एम नहीं बिठाया था, ठीक है, मतलब उनका जो निशाना था वो करेक्टली नहीं बैठा था सोवे टाइगर के ऊपर। द टाइगर फेंटेड ड्यू टू द साउंड ऑफ द बुलेट, जो हमारे जो टाइगर होता है ना, मतलब जो 100 टाइगर होता है, सोवा टाइगर, वो क्या होता है, गोली की आवाज सुनकर ही बेहोश हो जाता है और गोली उसको मिस कर जाती है, ठीक है। जैसे फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, नो वन वॉन्टेड द महाराजा टू नो दिस, इट वॉज अ हंटर हु एक्चुअली शॉट द टाइगर लेटर। ये वाली लाइन आपको जरूर ऐड करनी है कि उस टाइगर, सोवे टाइगर को एक्चुअली में किसने मारा था, तो आप बता देना इट वॉज अ हंटर, यानी कि एक शिकारी था जिसने क्या किया था, सोवे टाइगर को मारा था। क्योंकि कोई भी नहीं ये चाहता था कि टाइगर किंग को पता चले कि ये 100 टाइगर अभी जिंदा है, क्योंकि सपोज करो अगर वो जिंदा होता, ठीक है, अगर वो जिंदा है, अगर मैं जाके बता दूं कि महाराज आपने जिस टाइगर को मारा है वो जिंदा है, उसे गोली लगी ही नहीं है, तो गुस्से में टाइगर क्या करेंगे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनका जो आत्मसम्मान होता है, वो ये सोचेंगे यार मेरा तो निशाना मिस हो गया, ये लोग मुझ पे हंसेंगे, ये वो, तो सबको वो कहीं मौत के घाट ना उतार दे। तो इस तरीके से क्या, तो सबने क्या ये कहा कि टाइगर हमारे महाराज को कोई कुछ नहीं बताएगा, और उसको एट द एंड में एक शिकारी ने मारा था। तो आप ये पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकेंड है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया है माई मदर 866 से, ठीक है, जिसमें हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है कि जो उसकी मदर थी, ठीक है, तो मदर को कंपेयर लेट विंटर मून से क्यों किया गया, ठीक है, मतलब जो लेट विंटर्स मून से उसकी मदर की कंपैरिजन मेनली यहाँ पे क्यों की गई है, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपको इसका आंसर बताना है दैट मदर, द मदर लुक्ड पेल एंड एशन फेस्ड लाइक अ कॉर्प्स, ठीक है, ड्यूरिंग लेट विंटर द मून टू लॉज इज इट्स, देखो, ठीक है, ब्राइटनेस एंड लुक्स रेदर पेल एंड कलरलेस लाइक एन इल एंड हैगर्ड ओल्ड पर्सन हु हैज बिकम
वॉर्म आउट एंड टायर ड्यू टू द रिविजेस ऑफ टाइम। ठीक है, तो कंपैरिजन में क्या कैसे पॉइंट जिसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आप बता सकते हो कि वो कैसे लगने लगी थी, पेल हो सकता है, ठीक है, कलरलेस, ठीक है, ऐसे लोग जिनका जिस तरीके से एज बढ़ती जाती है, जो उनके चेहरे की जो रौनक होती है, चेहरे की जो चमक होती है, वो कम होने होती चली जाती है। आपने देखा होगा अगर आपकी फैमिली में आपकी दादी माँ है या आपके दादाजी है, तो जैसे जिस तरीके से आप उनकी पहले की फोटो देखो और जिस तरीके अभी वो प्रेजेंट लगती हैं, यानी कि उनके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, ठीक है, रिंकल्स आ जाते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने लेट विंटर मून से उसकी कंपैरिजन की है। लेट विंटर मून कैसा होता है, बहुत ही आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, इस तरीके से आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हम अभी बात कर रहे हैं, जितने भी प्रश्न की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है, ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आप लिटरेचर के सेक्शन में, सेक्शन भी तो मैंने आपको ऑलरेडी सारे वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, सेक्शन सी, आप सेक्शन सी को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, हो सके तो आप वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चले, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में पढ़ सको। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप उस क्वेश्चन के दो तीन मेन पॉइंट को ही याद कर लो, ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किस तरह जो टाइगर प्रोवाइड करवाया गया था दीवान साहब के द्वारा वो कैसा था, ठीक है, तो आप बता सकते हो वो ओल्ड था, एजाइल था, तो ऐसे पॉइंट्स आप अगर मेंशन करते हैं तो आप नॉर्मली अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर, ठीक है, जो हमारे महाराज थे, ठीक है, ठीक है, टाइगर किंग जो हमारे महाराज थे वो 100वें टाइगर का शिकार कैसे बने, यानी कि किस तरीके से वो उसका विक्टिम बने, हमसे यहाँ पे ये चीजें पूछी गई है, ये वाला बात हमसे एग्जामिनर जानना चाहता है। एग्जामिनर हमसे कहता है कि बताओ जो हमारा महाराज है वो 100वें टाइगर का विक्टिम कैसे बना, 100वें टाइगर का शिकार कैसे बना, हमसे ये बात की गई है। अच्छा, और इसमें क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करो, स्टोरी को थोड़ा रिकॉल करना है आपको, ठीक है, द टाइगर किंग ब्रिंग्स अ वुडन टाइगर, क्या खरीदा था उन्होंने, तो वुडन टाइगर, आपको पूरा आंसर याद नहीं होता है, आप वुडन वर्ड को याद रखो कि जब भी हमसे यह पूछा जाएगा कि टाइगर किंग हमारा 100वें टाइगर का विक्टिम कैसे बना, तो हम क्या कहेंगे, हम पहली लाइन में बताएंगे कि वुडन टाइगर उन्होंने खरीदा था, ठीक है, एक वुडन टाइगर को परचेज किया था। उसके बाद एज अ गिफ्ट फॉर हिज सन, ये भी आप याद कर सकते हो, अपने बेटे के बर्थ, उसके बेटे का बर्थडे था, उस वजह से उन्होंने क्या करा था, एक वुडन टाइगर को परचेज किया था। द पुअरली कार्व्ड टॉय टाइगर हैज अ रफ सरफेस फिल्ड विद सिल्वर ऑफ वुड, आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, द महाराज हर्ट्स हिमसेल्फ व्हेन अ टिनी सिल्वर पियर्स हिज राइट हैंड, ही नेग्लेक्ट हिज इंजरी विच बिकम्स ग्रेशियस व्हेन develops on it and soon spreads all over his arm, finally leading to his death. In this way, the Tiger King ultimately become a victim of the 100 tiger. ठीक है, पूरे आंसर में हमें ये बात बताई गई है कि जब उसने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए एक वुडन टाइगर को खरीदा था, तो जो वुडन टाइगर था उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, ठीक है, और उसमें क्या था, एक आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, पियर्स, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो लकड़ के जो खिलौने होते हैं उसमें एक जो लकड़ का ना, जैसे हम खेलते हैं तो हमारे हाथ में एक जो हिंदी का एक वर्ड है वो मतलब हो जाता है, ठीक है, तो उससे ना हम उसको निकालते तो हमें बड़ा दर्द होता है, ठीक है, तो ये वाला जो था सिल्वर पियर्स, उसी तरीके से उसका एक टाइगर का उसके हाथों में लग गया था जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, ठीक है, तो खेलते वक्त क्या हुआ, उसके हाथ में लग गया और उसने इस इंसिडेंट ने वो यही इंसिडेंट क्या था उसकी मौत का कारण बन जाता है, मतलब उसका जो इन्फेक्शन था ना हाथों से लेकर उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, What were the terms of the Indigo contract between the British landlords and the Indian peasant? ठीक है, ये हमारा इंडिको से पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिको से आपको एक क्वेश्चन पर का देखने को मिलेगा, आप इसको लिख सकते हो कि इंडिको से एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिड टर्म के एग्जाम में बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे और हमारे इंडियन पीजेंट थे, इनके बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, नील की खेती को लेकर इनके बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था।
तो आप बता सकते हो द एरेबल एंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट विच वर ओन्ड बाय इंग्लिश मैन. ठीक है, जो हमारा चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो भूमि है ना जहां पे नील की खेती की जाती है उसको कई भागों में विभाजित किया गया है. ठीक है, एंड वर्क्ड बाय इंडियन टीनेंस. ठीक है, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिको. ठीक है, जो नील की खेती है ना वो एक वाणिज्यिक कृषि है और बहुत ही विकास वाली आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव है. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंस टू प्लांट 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिको एंड सरेंडर द एंटायर इंडिको हार वेस्ट एज रेंट. ठीक है, मतलब उन्होंने कहा था, लैंडलॉर्ड्स ने क्या कहा था कि जितने भी हमारे जो पीजेंट्स है, हमारे किसान है, वो क्या करेंगे, मतलब जिस भूमि पर वो नील की खेती कर रहे हैं, मतलब 15% उस भूमि का हिस्सा उनको कहाँ देना होगा, तो उनको ये देना होगा, सरेंडर करना पड़ेगा. ठीक है, या तो आप किराए के रूप में दो या उसको सरेंडर करो. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा है विच एक्ट ऑफ द क्रॉफ्टर सरप्राइज्ड द पैडलर एंड व्हाई. ठीक है, क्रॉफ्टर के किस एक्ट ने पैडलर को सरप्राइज कर दिया था. अगर आपको स्टोरी पता होगी तो पैडलर क्या करता था कि पैडलर के साथ कोई भी बिल्कुल एक अच्छे वे में बात नहीं करता था. ठीक है, एक अच्छे दयालुता के साथ कोई भी पेश नहीं आता था. लेकिन जब पैडलर क्रॉफ्टर के घर पे गया तो क्रॉफ्टर ने क्या किया था, उसका स्वागत किया, उसके साथ उसने कार्ड्स खेले, उसको खिचड़ी खिलाई. ठीक है, दलिया, और उसके साथ उन्होंने जो शिकमो होता है, बड़े वाले सिगरेट वगैरह जो आपकी बुक में मेंशन है, आप देख लेना, उसको भी मेंशन किया था. तो इस तरीके की जो अतिथि, मतलब इस तरीके का जो होता है ना कि रिस्पेक्ट, किसी दूसरे आदमी ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, तो इस बात को लेकर जो हमारा पैडलर था ना वो सरप्राइज हो गया था. तो वही पॉइंट आप इसमें मेंशन कर देना. ठीक है, द पैडलर वॉज ऑलवेज शंड अवे व्हेनेवर ही वेंट, नो वन ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस. देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, नो वन ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस, दयालुता के साथ कोई भी उससे बात नहीं करता था. ठीक है, एंड सो हैड लॉस्ट ऑल होप ऑफ बींग शोन एनी काइंड ऑफ वार्मथ, बट वेन ही अप्रोच्ड द क्रॉफ्टर्स रोड साइड कॉटेज ही वॉज सरप्राइज बाय द लेटर्स वार्म वेलकम एंड जीनियस हॉस्पिटैलिटी. ठीक है, इस तरीके के पॉइंट अगर आप इसमें मेंशन करोगे तो आप बहुत इजीली मार्क्स लाके आ सकते हो अपने एग्जाम के अंदर. ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना दोगे. आप स्क्रीनशॉट लेके चलो, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है. ठीक है, कोई क्वेश्चन हमारा कंपार्टमेंट का है तो कोई क्वेश्चन हमारा मिड टर्म 18, 19, 20, 21 इस तरीके के ईयर्स के ये क्वेश्चन है. ये पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का. तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैक पिकिंग. ठीक है, सीमापुरी में सर्वाइव करना एक रैक पिकिंग की तरह है. कमेंट, हमें कमेंट करना है क्या सीमापुरी में रहना एक कूड़े बिनने की तरह है, कैसे. ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सीमापुरी जो एरिया है वहां पे बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी है, जहां पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कूड़ा बिन के अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं. तो ये हमसे प्रश्न, हमसे एग्जामिनर पूछता है क्या सीमापुरी में जीवन यापन करना एक कूड़े बिनने की तरह ही है. तो ये हमसे बात की गई है यहाँ पे. तो हम बताएंगे सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. बिल्कुल, देखो जीवन यापन करना सीमापुरी में किसके बराबर है, तो रैक पिकिंग के, कूड़ा बिनने के बराबर है. उसके बाद ओवर द ईयर द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट फॉर द स्लम ज्वेलर्स ऑफ सीमापुरी, रैक पिकिंग इज देयर डेली ब्रेड. इट गिव्स देम द रूफ ओवर देयर हेड्स एंड इज द वेरी मीन्स फॉर देयर सर्वाइवल. यहां पे बात की गई है कि जो हमारे सीमापुरी में तो थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम बैक टू क्वेश्चन पे आते हैं. हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि सीमापुरी में जीवन यापन करना क्या रैक पिकिंग करने के बराबर है. तो इस पे हमें हमारा कमेंट बताना है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. बिल्कुल, ओवर द ईयर द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट फॉर द स्लम ड्वेलर्स ऑफ सीमापुरी, रैक पिकिंग इज देयर डेली ब्रेड. ठीक है, मतलब कि कूड़ा बिनना उनके लिए डेली एक ब्रेड के समान है. अगर वो कूड़ा नहीं बिनेंगे तो एक ब्रेड नहीं खा सकती है. ठीक है, ये आप मेंशन कर देना. इट गिव्स देम द रूफ ओवर देयर
हेड्स उनके सर पे छत भी किस तरीके से आती है, तो कूड़ा बिनने से ही आती है। जब तक जब वो रैक पिकिंग करते हैं तो ही उनके घर सर पे छत आएगी। ये वाले पॉइंट्स मेंशन किए गए थे हमारे बुक में एंड इट इज द मीन्स फॉर देयर सर्वाइवल, और यही उनके जीवन यापन का तरीका है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार, तो आप इसको इम्पोर्टेंट में हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये हमसे कम से कम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नाउ अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, देखो इसमें हमसे बात की गई है यहाँ पे कि व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। जो एडला थी वो पेडलर के द्वारा रखे गए गिफ्ट को देखकर क्यों खुश थी। ठीक है, तो ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, तो आप बता सकते हो। एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर as he had respected her faith in him. Adela had retained him in her house even after knowing his real identity. ठीक है, देखो एडला को पता था कि ये आदमी सच में कौन है, लेकिन उस बात की परवाह किए बिना ही उसने पेडलर को अपने घर में रखा। ठीक है, उसके साथ क्रिसमस पार्टी जो थी सेलिब्रेट किया, तो इस बात को लेकर जो पेडलर था उसने सोचा कि जब मुझे इस तरीके का सम्मान, इस तरीके का आतिथ्य मुझे मिल रहा है, तो मैं इसके साथ तो मतलब दुर्व्यवहार क्यों करूं। तो उसी ने, इस वजह से उसने क्या किया, जो भी पैसे उसने चोरी किए थे और एडला के घर पे सारी चीजें उनने वहां पे जाके रख दिया था। तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। एंड ही इन टर्न हैड शोन हर द गेस्ट शी हैड ऑनर्ड वाज एज ऑनरेबल एज द कैप्टन। द लेटर ऑफ हिज हर्ट हैज हैड बीन अवोकेंड एंड ही हैड बीन एबल टू ओवरकम द बेट ऑफ द रेड ट्रैप। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये हमारा द रेड ट्रैप के चैप्टर से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है व्हाई आर द यंग ट्रीज। यहाँ पे आपको यंग ट्रीज के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक यंग ट्री के ऊपर, डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। ठीक है, तो यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग की तरह क्यों डिस्क्राइब किया गया है, ये हमारा पोएम में से पूछा गया एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में हमसे पूछ सकता है। तो आप बता देना, द यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग दैट इज रशिंग पार्ट्स द पोर्ट एज शी इज ट्रेवलिंग इन अ वेरी फास्ट मूविंग कार। देखो फास्ट मूविंग कार को आप याद कर सकते हो, अगर आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं हो पाता है आप क्या कर सकते हो, आपको बताना है कि स्प्रिंटिंग जो यंग ट्रीज है वो किस तरीके से स्प्रिंट हो रहा है। जैसे कि अगर हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी तेज चल रही है, तो हमारे ऑपोजिट जो वस्तु होती है वो हमें पीछे जाती हुई दिखाई देती है। हम जितना तेज जाएंगे वो वस्तु उतनी ही पीछे तेजी से जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। While traveling in a speeding vehicle, the object outside appear to be rushing past us in the opposite direction. These sprinting trees are in stark contrast to the passive old lady sitting inside the car. ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये उस कार में बैठी एक बूढ़ी महिला की जो ठीक है तो बूढ़ी महिला जो बैठी है उनके बारे में भी इसको कंपेयर करके दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट मतलब हम तेजी से जा रहे हैं और जो दूसरी ऑपोजिट साइड की जो ऑब्जेक्ट तेजी से बीत रही है, उसी तरीके से जो हमारी ओल्ड लेडी है उसकी जो एज भी है वो बहुत तेजी से बीतती चली जा रही है। तो ये हम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ अब है हमारा व्हाट इज द मैसेज टू द ऑफ द पोम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ थिंक ऑफ ब्यूटी हमें कौन सा मैसेज देता है। ठीक है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी हमें कौन सा मैसेज देता है, तो आपको बताना है। जॉन किट्स इसके ऑथर थे, इसके नरेटर है। तो जॉन किट वॉज अ वर्शिपर टू बी ब्यूटी एंड ही सो इट एज एन एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। थ्रू हिज पोम ही कन्वेज दैट अ थिंक ऑफ ब्यूटी रिमूव द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सोरो एंड गिव्स अस जॉय। ठीक है, तो आप सोरो वर्ड यहाँ पे ध्यान देना, सैडनेस वर्ड ध्यान देना, और यहाँ पे क्या आप जॉय है ना एंड प्लेजर। द ब्यूटी ऑफ अ थिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या बताती है, मतलब सुंदरता के ऊपर, इसमें पूरी बात सुंदरता के ऊपर बताई गई है कि जिस तरीके से हमारे जो दुखी चेहरे को, हमारे जो दुखी चेहरा होता है हमारी सैडनेस को रिमूव कर देता है, कौन, तो हमारी सुंदरता। ठीक है, हमारी सुंदरता क्या करती है, हमारे जो दुखी पर मतलब दुखी चेहरा होता है, ठीक है, हमारे जो गम होते हैं उन सभी चीजों को रिमूव कर देती है। तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन।
नोट द सेकेंड लेवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्ली कैसे कन्विंस हुआ, कि उसको कैसे पता चला कि वो सेकेंड लेवल की जगह थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे, तो हम बता देंगे द जनरल लेआउट ऑफ द थर्ड लेवल वॉज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड, ठीक है। दैट वन द सेकेंड लेवल, जो सेकेंड लेवल से जो थर्ड लेवल था स्टेशन का वो बहुत ही डिफरेंट था। कैसे? तो थर्ड लेवल पे क्या थे, इट हैड कंपैरेटिवली स्मॉलर रूम्स, फेवर टिकट्स बहुत छोटे छोटे, उसके जो टिकट काउंटर के जो विंडोज होते हैं वो थर्ड लेवल पे बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है। एंड लेजर ट्रेन गेट्स, द इंफॉर्मेशन बॉथ इन द सेंटर वॉज मेड ऑफ वुड एंड लॉक्ड ऑन, ठीक है। जो स्टेशन का जो गेट था वो भी बहुत पुराना लग रहा था थर्ड लेवल पे, हम थर्ड लेवल की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड लेवल पे बहुत पुराना भी लग रहा था, और उसके बाद द प्लेस विद इट्स ब्रेस पिट्स रूम्स डिड नॉट लुक वेरी ब्राइट, सो चार्ली वॉज कन्विंस इट वॉज नॉट द सेकेंड लेवल। तो चार्ली को इन सारी बातों से पता चला कि वो सेकेंड लेवल की जगह थर्ड लेवल पे आ चुका है, यानी कि वो सेकेंड लेवल पे नहीं है। तो ये वाले पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आपको मैंने स्टोरी में बताया भी था कि वहां पे जो पान खा के जो थूकते हैं, जो वो बना होता है उसका, तो वो सारी चीजें भी उसने देखी थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर देना इसमें। अगला हमारा, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है जो डगलस का फियर ऑफ वाटर था उसने किस तरीके से डिटरमाइन किया। तो डगलस वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज हिज दिस फोबिया एंड रिन हिज फिशिंग ट्रिप्स, मतलब इस पानी के डर ने उसको क्या किया था, मछली पकड़ने का जो उसका वो था ट्रिप था उसको भी नहीं कर पा रहा था वो उस तरीके से। मोरेवर ही हैड ऑल्सो नेवर बीन एबल टू एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स, लाइक वो कोई से भी वाटर के जो स्पोर्ट्स होते हैं किस तरीके से, जैसे कि कैनोइंग कर लेना आप, बोटिंग, ठीक है, एंड स्विमिंग, ये सारी चीजें वो नहीं कर पा रहा था। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वॉटर। वो क्या करता है फिर इंस्ट्रक्टर की खोज करता है, ठीक है, और जिसकी सहायता से वो क्या करता है स्विमिंग सीखना शुरू करता है ताकि वो अपने फियर ऑफ वॉटर यानी कि पानी के डर को रिमूव कर सके, पानी के डर से उस पर वो काबू पा सके, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मेंशन आप कर सकते हो। नाउ अगला है हमारा, हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर चार्ली ने थर्ड लेवल को कैसे डिस्क्राइब किया, सेम क्वेश्चन आपने पिछले अभी डिस्कस किया था कि थर्ड लेवल पे क्या क्या चीजें थी जो चार्ली ने देखी। तो छोटे छोटे विंडोज देखे थे, टिकट काउंटर के, ठीक है, ट्रेन का पुराना गेट देखा था। तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, देख लेते हैं आंसर हमें कैसे करना है। तो चार्ली सेज दैट द रूम ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर देन दैट ऑन द सेकेंड लेवल, रूम्स बहुत छोटे छोटे थे। देयर वर फेवर टिकट्स विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड, लकड़ी के बने हुए थे और बहुत पुराने थे। उसके बाद देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटोस, ठीक है, ऑन द फ्लोर। एवरीवन एट द स्टेशन वाज जस्ट 19th century ड्रेस, मतलब सभी ने कैसे कपड़े पहने थे, तो 19th century के ड्रेस जैसे कपड़े पहने थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक कोट पहना था एक बंदे ने जिसका यहाँ पे घड़ी लटक रही होती है ना। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन कर देना है। आपने अगर चैप्टर की समरी को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो, वहां पे भी आपसे बहुत आइडिया आपको हो जाएगा चैप्टर की इन्फॉर्मेशन के बारे में। व्हाट मिसएडवेंचर डिड विलियम डगलस एक्सपीरियंस एट YMCA पूल, ठीक है, YMCA पूल पर क्या मिसएडवेंचर हुआ था हमारे विलियम डगलस के साथ, ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आप कह सकते हो मिसएडवेंचर एट द YMCA पूल वेयर इन डगलस वॉज थ्रोन इन टू, थ्रोन को आप ध्यान देना यहाँ पे, इन टू द डीपर ऑफ द पूल बाय अ बिग बॉय, मतलब वहां पे क्या हुआ था, तो एक मस्कुलर बॉय 18 साल का एक बॉय आया था और जिसने उठा के डगलस को बिल्कुल पानी में फेंक दिया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है उसके साथ, मेड डगलस अफेयर्ड ऑफ वाटर, ही वेंट डाउन इनटू द वाटर 3 times बट फेल्ड, 3 बार वो बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। देन टू कम अप थ्रो ही वॉज अल्टीमेटली सेव्ड, अ टेरर ऑफ वाटर डेवलप्ड इन हिम, मतलब यहीं से उसके अंदर जो पानी का जो डर होता है, पानी का जो आतंक होता है उसके माइंड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हिज लंग्स फिल्ड विद वाटर, उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, ठीक है। हिज हेड थ्रॉब्ड थ्रॉब्ड एंड हिज लेग फेल्ट पैरालाइज्ड, उसके जो पैर होते हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं उस मोमेंट में जब वो पानी में गिर के बाहर आता है, दस मेकिंग हिम फियर ऑफ वाटर। तो ये सारी इंसिडेंट क्या करते हैं उसके अंदर जो पानी का जो डर होता है उसको बना देते हैं, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुट किया गया था, यानी कि जो नोटिस होता है बुलेटिन बोर्ड का, उस पे कौन सा मैसेज लगाया गया था। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में ही आता है, ठीक है, आप बता दोगे। अ नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, ठीक है। तो क्या मैसेज आया था कि अब से अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही भाषा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा नोटिस था, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नाउ अगला है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इंटू अ स्विमर, ठीक है। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर में कैसे परिवर्तित किया, एक कैसे स्विमर उसको बनाया। तो इसमें हमें बताना है कि उसकी जर्नी क्या थी, वो स्विमिंग सीख रहा था तो इंस्ट्रक्टर ने उसके साथ उसको किस तरीके से स्विमिंग सिखाई, ठीक है। टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस द इंस्ट्रक्टर बिगेन हिज ट्रेनिंग विद एक्सट्रीम कॉशंस, ही अटैच्ड अ रोप टू अ बेल्ट, ये याद रख लेना आप, रोप टू अ बेल्ट फर्स्ट, एंड पुट इट अराउंड डगलस, द रोप वेंट थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, सपोर्टेड बाय द केबल दे वेंट टू बी एंड इन द पूल एंड प्रैक्टिस फॉर वीक टूगेदर, बहुत ज्यादा हफ्तों तक उसने किससे, जो पुल्ली होता है और रोप जो रस्सी होती है उसकी सहायता उसने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस भी किया। उसके बाद द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वॉटर, उसके बाद उसने पानी में अपने फेस को किस तरीके से रखना है, तो ये वाली थोड़ी सी बात उसने बताई। एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, किस तरीके से पानी में सांस लेना है, पानी में सांस को छोड़ना, ये सारी चीजें उसने सिखाई। ही देन टॉट हिम टू किक इन द वॉटर फॉर मेनी वीक्स, फिर उसने बहुत हफ्तों तक उसने ये सिखाया कि पानी के सरफेस पे कैसे किक किया जाता है, ठीक है। फाइनली आफ्टर 7 मंथ, तो 7 महीनों के बाद द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल एंड डगलस परसिस्टेंट फियर स्टार्टेड फीडिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर देना इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस, ठीक है। तो एम हैमल ने किसको नेग्लेक्ट किया था, किसको ब्लेम किया था, तो ये हमसे पूछा गया, तो आप बताओगे। एम हैमल ब्लेम्ड वेरियस पीपल फॉर डिफरेंट रीजन फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रांस, जैसे लड़कों के लिए, कि उनकी लर्निंग के लिए इसने किसको ब्लेम किया था, किसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स, पहले उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया कि गलती है, यहाँ पे गलती उनके खुद के माता पिता की है, ठीक है। फॉर नॉट बींग एंजिक्स टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न रेदर इंगेजिंग दैम इन टू हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या, तो एमएमएल बता रहे हैं कि सबसे पहली गलती उनके माता पिता की है, क्योंकि वो बच्चे को स्कूल भेजने की जगह उसको घर के कामों में बिजी रखते थे, उसको स्कूल नहीं भेजते थे, ठीक है। ही ब्लेम्ड द बॉय देमसेल्फ फॉर प्रेफरिंग टू वर्क ऑन माइल्स एंड फार्म्स, ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर सेंडिंग बॉयज ऑन एरेंट्स फॉर हिज को कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने खुद की गलती को भी बताया कि कभी कभी गलती हमारी भी, टीचर्स की भी हो जाती है, है ना। तो ये सारे पॉइंट, 2 पॉइंट आप इसमें मेंशन कर देना। नाउ अगला है हमारा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर सकते हो, 2 या 3 मार्क्स में ये आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना इस क्वेश्चन की, बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस लगाया गया था। तो इसमें थोड़ा आंसर को ना हमने बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो बड़े में क्या आपको करना है, अ नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड इन्फॉर्मिंग द पीपल, वहां पे के लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन विच डिक्लेयर्ड दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, न्यू जर्मन टीचर विल वॉज कमिंग ऑन द फॉलोइंग डे। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर देना। अगला है हमारा क्वेश्चन, ये क्या कहता है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, लॉस्ट स्प्रिंग हमारा क्या कन्वे करता है, जो हमारा टाइटल है कि लॉस्ट स्प्रिंग, वो हमें क्या बताता है, ठीक है, खोया वसंत, ठीक है। तो आपको बताना है, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया
लॉज आउट ऑफ लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लीव्स, ठीक है, मतलब हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जिन्होंने अपना जो वसंत है, जो वसंत को खो दिया है, ठीक है। उसके बाद दैट इज देयर चाइल्डहुड, द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन द हार्डशिप इन्वॉल्व्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड, पॉवर्टी फोर्सेस दीज यंग चिल्ड्रन टू वर्क, गरीबी क्या करती है इन बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। इन द मोस्ट इनह्यूमन कंडीशन, बहुत ही बोल सकते हैं हम भयावह कंडीशन में, भयावह स्थिति में जो हमारा गरीबी होती है वो बच्चों को मतलब उकसाती है कि काम करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे मिस आउट ऑफ द फन ऑफ चाइल्डहुड, विच ठीक है, इसी के रिजल्ट के रूप में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे मिस आउट ऑन द फन ऑफ चाइल्डहुड इन विच देयर ग्रोथ, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग कमेंट। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था ये इंपॉर्टेंट है, तो आप हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट हमारा व्हाट डज द राइटर मीन्स व्हेन ही सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन कहता है कि जो हमारी नरेटर है यानी कि जो हमारी राइटर है वो क्या कहती है कि आप इस वर्ड से क्या समझते हो कि साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, ठीक है। तो आपको बताना है सिंस साहेब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल, अब साहेब क्या कर रहा है वो टी स्टॉल पे काम कर रहा है, ही इज नाउ बाउंड टू हिज मास्टर एंड फील्स बर्डन, अब वो किसी के अंदर काम कर रहा है तो वो एक बर्डन फील महसूस करता है। सपोज हम किसी के नीचे काम करते हैं तो हमारे ऊपर किसी का हक हो जाता है, ठीक है, हम उसके नीचे दब जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पॉइंट डाल सकते हो, द स्टील कैनिस्टर ही कैरीज इज वेरी हैवी, अब जो वो स्टील का कैनिस्टर वो अपने ऊपर लेके चल रहा है वो उस प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा भारी है, ठीक है। कंपेयर टू हिज लाइट प्लास्टिक बैग द बैग वॉज हिज ऑन एंड द कैनिस्टर बिलोंग्स टू हिज मास्टर, मतलब वो जो प्लास्टिक का बैग था वो उसका अपना खुद का था, लेकिन जो अब कैनिस्टर बैग है, ठीक है, वो किसका है, वो उसके मालिक का, मतलब उसके मालिक का ही है। Whose orders he now has to follow, पहले वो क्या करता था, मतलब अपनी मस्ती में जीता था, प्लास्टिक का बैग लिया, जहां जाना है वहां घुमाता था, लेकिन अब क्या है, अब उसको अपने मास्टर की यानी कि अपना जो उसके जो मालिक है उसके ऑर्डर्स को उसको फॉलो करना है, so he is no longer his own master। तो आप लास्ट में इसको खत्म कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर देना। एक क्वेश्चन हमारा कहता है डू यू थिंक साहब वॉज हैप्पी टू वर्क एट टी स्टॉल, आंसर गिविंग रीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और आया हुआ है एग्जाम में, आपको इसको भी ध्यान दे देना है। ये हमसे पूछता है कि आपको लगता है कि साहेब अब टी स्टॉल पर काम कर खुश है, तो आप ऊपर वाले पॉइंट ही इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस पूछने का तरीका अलग है, आंसर हमें सेम रखना है, तो आपको ध्यान देना है, एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन को आपका आंसर सेम होगा, बस वो पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज कर देगा, एक क्वेश्चन को एग्जामिनर 2-3 बारी से घुमा देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, व्हाई डज द ऑथर से दैट बैंगल मेकर्स, यहां पे आप इसको बैंगल कर सकते हो, ठीक है। व्हाई डज द ऑथर से दैट बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब, ठीक है। तो बैंगल्स मेकर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया गया है, द ऑथर सेज दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब विच स्टार्ट फ्रॉम पॉवर्टी, जो कि गरीबी से शुरू होती है, टू इंडिफरेंस देन टू ग्रीड एंड फाइनली टू इनजस्टिस, माइंड नंबिंग टॉयल किल देयर होप्स एंड ड्रीम्स, ठीक है, दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव्स एंड हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, ठीक है, मिडल मैन एंड द पुलिस, ठीक है। मिडल मैन होते हैं मध्यम, जो बिचौल मतलब बोल सकते हो आप दलाल टाइप के, ठीक है, तो मिडल मैन वो हो जाएंगे। सो दे गेट कंडेमेंट टू पॉवर्टी द प्रिपेक्चुअल एग्जीबिशंस, ठीक है, Exploitations। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो बैंगल मेकर्स होते हैं वो किन के बीच में फंस कर रह जाते हैं, तो साहूकार्स के ऊपर, साहूकार के अंदर वो काम करते हैं, मिडल मैन जो बहुत उनको इन चीजों में फंसा के चले जाते हैं, और पुलिस भी कभी कभी क्या होती है इन लोगों के साथ मिली होती है, तो इन तीनों का आप नाम इस मेंशन कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा, इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी टुवर्ड्स वेयरिंग शूज? ठीक है, क्या ये ट्रेडिशन था उनको बेयरफुट, जैसे कि बिना चप्पल के चलना? ठीक है, तो क्या ये ट्रेडिशन था, क्या ये परंपरा थी सीमापुरी के रैग पिकर्स की? तो आप बता सकते हो, द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैव डिफरेंट एटीट्यूड। सीमापुरी के जो रैग पिकर होते हैं उनका बहुत ही अलग एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स वेयरिंग शूज, मतलब चप्पल या जूते पहनने के लिए उनका एक अलग नजरिया होता है। ठीक है, वन बॉय डज नॉट फील लाइक वेयरिंग शूज, एक लड़का, मतलब यहाँ पे बात की गई है एक बच्चे की, मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एक बच्चे को पहनना पसंद नहीं है। अनदर बॉय हु हैज नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑफ शूज ऑल हिज लाइफ वांट्स देम, बट द ऑथर फील्स इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट फॉर दिस पुअर पीपल। ये ऑथर हमारी बता रही है कि ये लैक ऑफ मनी नहीं हो सकता है, ठीक है, बट ये एक परंपरा जरूर हो सकती है कि वहां के जो बच्चे होते हैं जो कूड़ा का कूड़ा उठाने का काम करते हैं उनको चप्पल या जूते पहनने का कोई शौक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये आज की वीडियो थी हमारी जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है कहीं ना कहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप देखो, आपको इस चैप्टर की जितने भी टॉप 25 क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप उसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।